प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना दूसरा पाठ ईदगाह के भाषा बोध के प्रश्न कर रहे थे, जो कि व्याकरण से संबंधित होते हैं। और इस पाठ में हमने कौन सा मुहावरे बहुत पढ़े थे, तो कौन कौन से मुहावरे आए थे उनका कल हमने आपको अर्थ बताया था और वाक्यों में आप इसे प्रयोग करके मैंने लिखवाया भी था, आपने अवश्य लिख लिया हुआ। तो आज मैं फिर से उसका एक बार अर्थ बता देता हूँ आपको। और जो मैंने अर्थ आपको जिन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करवाया है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया है आप उसे ही याद करें, रटें और ठीक वैसा ही लिखें, ऐसी बात नहीं। आप अगर अर्थ समझ जाते हैं तो इसे अपने शब्दों में भी आप बना के लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला मुहावरा था, बाल न बांका होना, बाल बांका न कोई हानि न होना। तो दुश्मन की फौज, भारतीय फौज का बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में इसे लिखेंगे और छोटा लिखेंगे। जब भी हम मुहावरे का वाक्य बनाएंगे तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो कितने छोटे से इसका वाक्य बनाना है और कम जगह भी दिया गया, इसे हमें अपने पाठ्य पुस्तक में करना है। तो इसी तरह तो हम दूसरा मुहावरा है, पहला हो गया बाल भी बांका ना होना, अर्थ आपको समझ आ गया, कोई भी हानि ना होना। दामन फैलाना का अर्थ है दुआ मांगना या विनती करना। तो दामन फैलाकर ईश्वर से मांगा जाता है या ईश्वर की आराधना की जाती है। तो आप इसे अपने शब्दों में लिखें या फिर पाठ में आए हम कहेंगे अमीना ने हामिद के दुआ के लिए दामन फैलाकर दुआ मांगी। अमीना ने हामिद के लिए दामन फैलाकर दुआ मांगी। तो इस तरह के पाठ से भी आप ले सकते हैं या कहीं और के। पैरों में पंख लग जाना, इसका अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। तो किस किस में लगाते हैं, हिरन मैंने आपको कल लिखाया था, हिरन तेज दौड़ता है मानो उसके पैरों में पंख लग गए, मतलब बहुत तेज दौड़ता है। शिकारी को देखकर हिरन के पैर में मानो पंख लग गए, शिकारी या शेर को देखकर हिरन के पैर में मानो पंख लग गए, मतलब कि बहुत तेज दौड़ने लगता है शिकारी को देखकर। उसका है दिल बैठना का अर्थ होता है नामुमकिन हो जाना। परीक्षा में कम अंक आने पर रवि का दिल बैठ गया, तो नाउम्मीद हो जाना। छाती पीटना मतलब शोक मनाना या दुखी होना। तो पुत्र को घायल देखकर माँ छाती पीटने लगी। और दिल कचोटना मतलब किसी पुरानी घटना को याद करके दुखी हो जाना, तो हमने देखा था अमीना ईद के दिन अमीना का दिल कचोट रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसे अपने पुत्र की याद आ गई थी, हामिद के पिता की याद आ गई। कलेजे पर सांप लौटना का होता है जलन होना या ईर्ष्या होना, जलन या ईर्ष्या। रवि का नया खिलौना देखकर राहुल के कलेजे पर सांप लौटने लगा, तो जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना। ये था हमारा पांचवां प्रश्न। तो ये हमने कल किया था, आपको अर्थ फिर से बताया गया और आप इन मुहावरों का अपने शब्दों में आप वाक्य बना करके लिखेंगे। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको लिखाया है, जो क्लास में लिखाया गया है, उसे ही आप याद करेंगे हूबहू और लिखेंगे, तो ये जरूरी नहीं। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अर्थ आपको समझ आ गया है। इसीलिए कोई भी मुहावरा होता है आपको उसका अर्थ समझना जरूर चाहिए। अगर अर्थ नहीं समझ पाओगे तो आप उसका वाक्य में प्रयोग भी नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा पांचवां प्रश्न। अब चलते हैं हम अपने
छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न बहुत आसान है और इसे भी आपको बुक में ही करना, सोचो और लिखो। ये है हमारा सोचो और लिखो। यदि हामिद के स्थान पर तुम होते तो क्या करते, तो ये हाई हॉर्स वाला है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। अगर तुम हामिद के जगह पे होते तो हर बच्चों का जो है उत्तर अलग हो सकता है, किसी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होगा, सब बच्चे अपने सोच के अनुसार लिखेंगे। तो करने के लिए तो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन ये मेरे अनुसार होगा। तो कोई बच्चा ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वही ना लिखे, आप इसे अपने अनुसार लिखेंगे। प्रश्न है सोचो और लिखो, ये असल में सबका अलग अलग हो सकता है और सभी उत्तर सही होंगे, क्योंकि आप अपने सोच के अनुसार लिख रहे हैं, ना कि आप अपने दोस्त के या अपने टीचर के सोच के अनुसार लिखेंगे। तो इसमें अगर आपका उत्तर अलग भी होता है तो वो सही होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा तो उत्तर जो सर ने लिखा है उससे मेरा अलग हो गया, या मेरे दोस्त ने जो लिखा है उससे मेरा उत्तर अलग हो गया, तो मेरा उत्तर गलत है। ऐसी बात नहीं, उत्तर सबका सही है, आप अपने सोच के अनुसार ही लिख रहे हैं, इस कारण से आपका उत्तर भी सही है। ये मेरा पहला प्रश्न है सोचो और लिखो का। सोचो और लिखो, प्रश्न में मैं लिख देता हूं, यदि हामिद के स्थान पर पहला भाग है, यदि हामिद, यदि हामिद के स्थान पर, हामिद के स्थान पर तुम होते तो क्या करते, तुम होते तो क्या करते। तो अपने आप को आपको हामिद के स्थान पर रखना है। अगर आप हामिद के स्थान पर होते तो आपकी क्या सोच होती। तो इसमें हामिद ने क्या क्या किया, कहानी के अनुसार हम लोग फिर से चलते हैं। हामिद आपकी तरह था, 8-9 साल का एक लड़का था, और उसने, उसे पता था कि वह गरीब है, ईद का त्यौहार का वो इंतज़ार कर रहा था। उसकी दादी अमीना ने उसे 3 पैसे दिए थे कि जाओ मेले में घूम के आओ, ईदगाह जाओ बाकी बच्चों के साथ। तो वह बहुत समझदार था, उसे अपनी दादी की चिंता भी थी, उसे सच्चाई भी पता थी कि घर में पैसे की कमी है, क्योंकि उनके घर में शायद कोई कमाने वाला नहीं था। पाठ में भी बताया गया था कि हामिद के माता पिता दोनों जीवित नहीं थे, वह अनाथ था। तो इस कारण से हामिद जो था वो, उसने मेले में भी बाकी बच्चों से वह क्या था, अलग था। उसने मिठाई भी नहीं खरीदी, खिलौने भी नहीं खरीदे, उसने खरीदा एक चिमटा, क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां जो थी खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय जल जाती थी, तो उसे मेले में भी अपनी दादी का ख्याल आया। तो यदि आप हामिद की जगह होते तो क्या करते, क्या आप मिठाइयाँ खरीद लेते, या आप पूरे पैसे खिलौने में लगा देते। तो ये आपको तय करना है, आप अपने सोच के अनुसार से लिखेंगे। तो मैं भी हामिद की तरह ही होता, अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता मैं भी हामिद की ही तरह होता, मैं भी अपनी दादी की चिंता करता, क्योंकि मेरे लिए भी दादी के सिवा कोई नहीं था। उसका अगर हामिद की बात की जाए तो हामिद के लिए भी दादी के अलावा कोई दुनिया में नहीं था, उसके पूरे परिवार में केवल दादी ही तो थी, और दादी भी उससे बहुत प्यार करती थी, और हामिद भी
उससे उतना ही प्यार करता था, तो उसने सही किया, उसने अपने दादी के लिए चिमटा खरीद करके सही किया। खिलौने तो मिट्टी के थे, कुछ दिन में टूट जाएंगे, मिठाई भी तो खा के ख़त्म हो जाती, लेकिन जो दादी की रोज़ उंगलियां जलती थी खाना बनाते समय, तो वो तो ना होगा। तो मैं कहूँगा हामिद ने सही किया। यदि हम भी, यदि मैं भी हामिद के स्थान पर होता तो मैं भी दादी के लिए चिमटा लाता, न कि मिठाइयाँ और खिलौने। तो यही मैं लिख रहा हूँ। तो आपका उत्तर इससे अलग हो सकता है, फिर से मैं बता देता हूँ। आप अपने सोच के अनुसार लिखेंगे, तो चार वाक्य दिए हैं, छोटा ही लिखेंगे हम लोग। यदि उत्तर है यदि हामिद की जगह, यदि हामिद के स्थान पर मैं होता तो मैं भी चिमटा ही खरीदता, क्योंकि मेरी दादी की उंगलियां, क्योंकि मेरी दादी की उंगलियां या दादी का हाथ, हाथ भी लिख सकते हैं, हाथ रोज जग नीचे बिंदी है, रोज खाना बनाते समय जल जाता था। मिट्टी के खिलौने और मिठाइयाँ, मिट्टी के खिलौने मिट्टी के खिलौने खिलौने तो टूट जाते, कुछ दिन में टूट जाते, कुछ दिन में टूट जाते। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि करीब चार पंक्तियाँ दे रखी हैं, चार लाइनें लिखनी थी, तो आ जाएगा हमारा, चार लाइन लिखने में आ जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखेंगे हम। और एकदम सही है, आप इसे अपने अनुसार, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है कि नहीं मैं तो वकील खरीद लेता मिट्टी का खिलौना, कोई सिपाही खरीद लेता, या फिर मैं तो कोई मिठाई खा लेता, तो वो भी सही है। आप इसे अपने अनुसार ही लिखेंगे, अपने, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा ठीक वही उतार देंगे आप। तो इसे केवल आपको बस एज ए हिंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। और आप लिखने के लिए तो अपने ही शब्दों में लिखेंगे इसे। अब मैं चलूँगा अपने सोचो और लिखो का दूसरा प्रश्न, ये भी बहुत आसान है, ये भी हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला ही अपने अनुसार ही लिखना है। कहानी का पात्र हामिद तुम्हें कैसे लगा, क्यों, ये भी आप इसे अपने अनुसार ही लिखें। कुछ बच्चों को लगा होगा कि वो तो बड़ा कंजूस था, वो मेले में गया, खिलौने तो पसंद आए
खिलौना छूना भी चाहता था, मिठाई भी उसको पसंद थी, लेकिन वो खजूस था उसने नहीं खरीदा। तो आपकी सोच के अनुसार ये होगा, आपको हामिद कैसा लगा, क्यों लगा और कारण बताना है आपको क्यों। तो इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप समझ गए कि इसे आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। मैं अपने दूसरे प्रश्न पे चलता हूँ। अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पे चलता हूँ, इसे मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न, ये है दूसरा प्रश्न होगा, कहानी का पात्र, कहानी का पात्र हामिद तुम्हें कैसा लगा, हामिद तुम्हें कैसा लगा, हामिद तुम्हें कैसा लगा, कैसा लगा क्यों, इसका कारण बताना है क्यों। तो पात्र तुम्हें किस तरह का लगा, वो था तो बच्चा ही, तो आप कुछ बच्चे कह सकते कि वो कंजूस था, पैसे नहीं खर्च कर रहा था, कुछ बच्चे कह सकते वो समझदार था। समझदार क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि घर में पैसे की कमी, घर में कोई कमाने वाला जीवित नहीं था, ना हामिद के पिता जीवित थे, ना हामिद की माँ जीवित थी, और दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो अनाथ था। तो जैसा कि हमने पाठ में भी देखा, चित्र में भी देखा, उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर में जूते भी नहीं था, लेकिन वो सब बच्चों जितना ही खुश था। और समझदार कितना था कि उसने अपनी चिंता न कर अपनी बूढ़ी दादी की चिंता की। तो समझदार भी कहा जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम उसे कंजूसी कहें। तो मेरे अनुसार से तो हामिद मुझे बहुत समझदार लगा, एक समझदार बालक था, उसने कभी भी पैसे की जिद नहीं की। उसकी दादी ने जितने पैसे जेब में डाले उसने उसे देखा भी नहीं, तो बस उसे पता था कि मेरी जेब में 3 पैसे, उसने कोई खर्च नहीं किया, दादी के ही बारे में सोचता रहा मेले में। तो हम समझदार, मैं तो उसे समझदार ही कहूँ। अगर कोई बच्चा उसे कंजूस लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है, कारण भी बता सकता है कि हाँ भाई वो पैसे नहीं खर्च कर रहा था, बच्चों के साथ मेला तो गया था, पैसे भी थे जेब में, ना उसने मिठाई खाई ना खिलौने खरीदे, इस कारण से आप कह सकते हो कि वो कंजूस है। तो मैं तो उसको समझदार कहूँगा, मैं अपने अनुसार लिख रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी का पात्र। कहानी का पात्र, कहानी का पात्र हामिद, एक हामिद मुझे एक समझदार बालक लगा, समझदार बालक लगा क्योंकि उसने
उसने अपने परिवार अपने परिवार की गरीबी का पता था उसने अपनी दादी से अधिक पैसे या ईद के लिए कपड़े और जूते और जूते की कपड़े और जूते की जिद न की। तो हमने कारण भी बताया भाई समझदार क्यों था। बाकी बच्चों को बहुत पैसे मिल रहे थे, 10 पैसे मिल रहे थे, 15 पैसे मिल रहे थे, सबके लिए नए कपड़े खरीदे गए थे, नए जूते खरीदे गए थे, इसके पैर में तो जूते भी नहीं थे। और ईद का दिन में वह नंगे पैर गया था ईदगाह, सबने ध्यान से देखा भी था, उसके पैर में जूते नहीं थे, कपड़े भी फटे हुए थे, पुराने थे, तो और पैसे भी बहुत कम मिले थे। बाकी बच्चों को 10-15 पैसे मिले थे और उसको केवल 3 पैसे मिले, और वो भी 3 पैसे उसने अपने दादी के लिए लगाए। तो हम उसको समझदार नहीं कहें तो क्या कहेंगे। वो अपने दादी से प्यार करता था और समझदार भी था, इसलिए उसने अपने दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो आपकी मर्जी है, आप इसे उसे कंजूस बोल सकते हो, या फिर कुछ बच्चों ने कहा था कि वो बहुत शेखी दिखा रहा था, अपना धाक जमा रहा था दूसरे बच्चों पे चिमटा खरीद के। अरे बच्चे चिढ़ा रहे थे, अगर वो धाक नहीं जमाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते। तो बच्चों ने जब उन्होंने क्या खरीदा था, चिमटा, तो बाकी बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, तो इसने एक बार धाक जमाई थी कि मेरा चिमटा मजबूत है, अगर वो नहीं करता तो बाकी बच्चे उसको रास्ते भर तंग करते। तो हम कहेंगे वो समझदार था, आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो मैं मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट कर लिया है, आप लिखना भी तो आपको अपने ही अनुसार है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है। तुम अपनी दादा दादी नाना नानी को खुश करने के लिए क्या करना चाहोगे। ये तीसरा प्रश्न, तुम अपने दादा दादी या नाना नानी दादा दादी या नाना नानी के लिए तुम अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए नाना नानी की खुशी के लिए दादी नाना नानी की खुशी के लिए की खुशी के लिए खुशी के लिए क्या करना चाहोगे। क्या करना चाहोगे, तो इसमें सब बच्चों के अलग अलग विचार होंगे। तो कुछ बच्चे उनको घुमाना चाहेंगे, पार्क में जाके घुमाना चाहेंगे। कुछ बच्चे मैंने देखा है अपने दादा दादी या नाना नानी को दवाइयाँ समय पे ला के देते हैं,
बूढ़े लोग दवाई ज़्यादा खाते हैं तो उनकी मदद करते हैं, कुछ उनको शाम को घुमाने के लिए पार्क में ले जाते हैं। तो हर बच्चों की अपनी अपनी, उनको खुश कैसे किया जाता है, उनके साथ खेलने से भी उनको खुशी मिलती है। कुछ बच्चे खाली समय में अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ खेलते हैं, खेलने से भी उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरह के आप उत्तर लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, आप इसे अपने अनुसार ही लिखेंगे। तो मैं कुछ लिख सकता हूँ कि मैं अपने दादा दादी या नाना नानी, दादा दादी या नाना नानी की खुशी के लिए उन्हें सुबह शाम घुमाने लिए जाता हूँ, घुमाने पार्क ले जाता हूँ, पार्क ले जाता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ, उनके साथ साथ समय बिताता हूँ। तो ये भी है, बच्चों के साथ समय बिताने पे भी खुश हो जाते हैं। वे सुबह शाम टहलने जाते हैं तो बच्चे उनको, उनकी छड़ी पकड़ के उनको पार्क में ले जाते हैं, घुमाते हैं, उनके साथ समय बिताने से भी वे खुश हो जाते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। कुछ बच्चे पानी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, सेवा करते हैं, कि जो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो ये अब आते हैं अब करने की बारी, गतिविधियाँ। ये मैंने आपको बताया था इस कहानी का, कक्षा में अभिनय करो। ऑनलाइन में तो ये अभिनय तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश हम करेंगे ऑनलाइन में। कुछ भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, त्यौहार से संबंधित जानकारी और चित्र इकट्ठे करो और एक परियोजना तैयार करो। जैसे हमने बताया, इसमें हमने इस्लाम धर्म के अनुसार हमने बहुत सी बातें जानी, रमज़ान का महीना क्या होता है, रोज़े कितने दिन रखे जाते हैं, ईद कब आती है, और नमाज पढ़ने का जो तरीका होता है वो भी हमें इस पाठ के अनुसार हमें पता चला। तो उसी तरह भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको कक्षा में बताएंगे। तो इसको चार्ट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कक्षा में इनके बारे में हम चर्चा करके करेंगे। तुमने भी कोई मेला देखा होगा, ये तीसरा प्रश्न है। उस मेले का अनुभव कक्षा में साथियों के साथ साझा करो। ये ऑनलाइन कक्षा में हम कर ही रहे हैं, आपको पता है। ये हमारे ऑनलाइन कक्षा में ये प्रश्न किया जाएगा कि जब आपने कोई मेला देखा हो उसके बारे में आपको बताना है। मेला दशहरे में लगता है, क्रिसमस में लगता है, तो आपने कैसे मेला, अपने अनुभव बताएंगे आप। चार्ट पेपर पर किसी मेले का चित्र बनाओ और रंग भर दो। तो ये आपने नोटबुक में बनाए हुए पाठ से संबंधित जो चित्र बनाए हुए, कुछ बच्चों ने मेला का चित्र भी बना रखा है, तो इसे नोटबुक में ही करना है। कोई भी पाठ से संबंधित जिसमें मेला लगा हो और दुकानें सजी हों, उससे संबंधित चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भी भरेंगे। तो ये था हमारे अब करने की बारी गतिविधियाँ। तो ये अधिकतर हम क्या करेंगे, ये ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। अपने मेले का जो अनुभव आप बताएंगे और हम इसे ऑनलाइन कक्षा में ही करेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा पाठ ईदगाह। आज के लिए इतना। अब हम कल से अपने नए पाठ पे चले जाएंगे, तीसरे पाठ।
तो इसका आज का गृह कार्य है इसे लिखना और अपने शब्दों में इसे लिखना है, मेरी जो मैंने बताया ठीक वही उतार के नहीं लिख देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।